जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एमएस वर्ड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंट बिटवीन ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक बताऊंगा कि पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज के अंदर क्या अंतर है, ब्लैंक पेज का हमें कब यूज करना चाहिए और पेज ब्रेक का हमें यूज कब करना चाहिए। मैं एलके सूर्यवंशी, वेलकम टू माई चैनल एलएस डिजिटल अकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चले बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक की बात करें तो ये आपका इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा, और इंसर्ट टैब के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है पेजेस। इस पेजेस के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो देखिए, ब्लैंक पेज का क्या यूज होता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स ले रखा है, आप जिस फाइल पर वर्क कर रहे हो, आप चाहते हो उसी फाइल के अंदर आपको क्या चाहिए, ब्लैंक पेपर चाहिए, मतलब एक ब्लैंक पेज चाहिए, तब आप इसका यूज करेंगे, ब्लैंक पेज का यूज करेंगे। और पेज ब्रेक का यूज होता है, आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप उस टेक्स्ट के साथ में क्या करना चाहते हो, पेज को ब्रेक करना चाहते हो। कि जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, आपने पेज के अंदर 10-12 पैराग्राफ्स लिख दिए। अब 10 पैराग्राफ लिखने के बाद में आप क्या चाहते हो कि 4 पैराग्राफ्स आपके इसी पेज में रहे, लेकिन 4 पैराग्राफ के बाद में जो भी बाकी के पैराग्राफ्स हैं वो क्या चले जाए, आपके नेक्स्ट पेज के अंदर चले जाए। तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका, पेज ब्रेक का यूज। तो मैं आपको यहाँ पर ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा। अब टेक्स्ट लिखने के बाद में आप देखेंगे तो मेरा यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही पेज है, ये मेरा फिलहाल सिंगल पेज है। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो एक पेज है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ। तो ब्लैंक पेज पर जैसे क्लिक करूंगा तो जिस फाइल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मतलब जिस पेज पर मैं काम कर रहा हूँ, उसके नीचे क्या हो जाएगा, एक ब्लैंक पेज हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मुझे एक ब्लैंक पेज यहाँ पर मिल चुका है। आप ऊपर देखेंगे तो ये आपका पहला वाला पेज है, जिस पेज पर आप वर्क कर रहे थे, और उसके अंदर आपका इतना ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, और नेक्स्ट क्या है, हमारे यहाँ पर एक ब्लैंक पेज आ चुका है। अब आपको कितने भी ब्लैंक पेज चाहिए, आपको क्या करना होगा, सिर्फ ब्लैंक पेज पर क्लिक करते जाना होगा। जितने भी आपको ब्लैंक पेज चाहिए उतने टाइम आप क्या करें, वहां पर ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके 6 पेजेस आ चुके हैं, और 6 में से आपके 5 पेज तो क्या है, ब्लैंक है, और एक पेज पे आपने पहले यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि आपको कुछ ब्लैंक पेजेस चाहिए तो वहां से आप ब्लैंक पेजेस इंसर्ट करा सकते हो। तो मुझे क्या करना है, ये ब्लैंक पेजेस डिलीट करने हैं। तो आपको डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, तो जहां से आपको डिलीट करना है उस पेज के आपको सबसे लास्ट पे क्लिक करना है। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए, मुझे सिर्फ ये फर्स्ट पेज चाहिए, उसके बाद जो मैंने 5 पेज यहाँ पे ब्लैंक लिए थे उनको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो इस पेज के एंड पर, मतलब यहाँ पर मेरा पैराग्राफ एंड हो रहा है, वहां पर मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से आपको क्या करना है, डिलीट की प्रेस करनी है। जैसे आप डिलीट की प्रेस करते जाएंगे तो आपका क्या होगा कि जो आपके ब्लैंक पेज होंगे वो डिलीट होते जाएंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आपके कितने पेज बचे, 4, और आप पेज 1 पर हो। मैं फिर से यहाँ पे डिलीट की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे तो आपके जो पेजेस है वो कितने बचेंगे, अब यहाँ पर 3। तो आप इस टाइप से यहाँ पे क्या करते जाओगे, जैसे डिलीट की प्रेस करते जाओगे, तो जैसे जैसे डिलीट प्रेस करते जाओगे तो क्या होगा, जो आपके ब्लैंक पेज है वो आपके डिलीट होते जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका सिर्फ एक पेजेस बचा हुआ है। क्लियर, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक पेज का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें पेज ब्रेक की। तो देखिए, पेज ब्रेक की बात करें तो पेज ब्रेक क्या होगा कि आपका जहां पर टेक्स्ट खत्म हो रहा है वहां से आप पेज ब्रेक करते हो तो क्या होगा कि डायरेक्ट एक तरह से ब्लैंक पेज ही देगा। ठीक है, कि जहां भी आपका क्या है, माउस का जो लास्ट में था पैराग्राफ के एंड में था, अब वहां पर आप पेज ब्रेक का यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको एक तरह से ब्लैंक पेज ही देगा। लेकिन मैं फिलहाल कंट्रोल चेक कर रहा हूं, आप क्या कर चाहते हो कि आपका ये जो टैक्स है, आप चाहते हो कि ये वाला टैक्स, ये जो 2 पैराग्राफ हैं, ये पैराग्राफ तो आपको क्या रहे, इसी पेज के अंदर रहे, लेकिन इससे नीचे के जो 3 पैराग्राफ हैं, आप इन पैराग्राफ को क्या करना चाहते हो, नेक्स्ट पेज के अंदर लेके जाना चाहते हो। तो या तो आप क्या करेंगे, यहां से इसको सिलेक्ट करके कट करेंगे, कट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर जाकर उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि जहां से हमें उस टैक्स को क्या करना है, ब्रेक करना है, नेक्स्ट पेज पर लेके जाना है, तो उस समय हम किसका यूज करेंगे, वहां पर पेज ब्रेक का। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ से ब्रेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो ये आपके जो 2 पैराग्राफ थे वो क्या हुए, इसी पेज के अंदर है, लेकिन इससे नीचे वाले जो पैराग्राफ है वो किसमें आ गए, यहाँ पर आपके नेक्स्ट पेज के अंदर आ चुके हैं। तो इस टाइप से आप कर सकते हो पेज ब्रेक का यूज। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड करने के बाद आप देखेंगे तो आपका एक ही पेज है। अब देखिए, मेरा यहाँ पर जो पैराग्राफ है, अब इसी पर आपके एड में माउस से क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करूंगा,
तो फिर देखना कि ब्लैंक पेज क्या काम करेगा। कि यहां पर मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करूंगा तो इसने भी क्या किया आप देखेंगे, तो जो आपका टेक्स्ट था इसने भी यहां से ब्रेक कर दिया। लेकिन ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में क्या अंतर होगा कि जो पेज ब्रेक ने क्या किया था वो नेक्स्ट पेज पर ही लेकर आया था, लेकिन ब्लैंक पेज क्या कर रहा है, पेज को ब्रेक तो कर रहा है, मतलब जो आपका टेक्स्ट है उसको ब्रेक तो कर रहा है, लेकिन बीच में एक ब्लैंक पेज देगा। ये देखिए, ये इसने क्या किया, एक ब्लैंक पेज दिया और ब्लैंक पेज के बाद में आपके टेक्स्ट को यहां पर ब्रेक कराया इसने। क्लियर, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं फिर से, आप देखेंगे तो ये आपका एक ही पेज है और यहां पर मैं किसका यूज करता हूँ, पेज ब्रेक का यूज करता हूँ। तो ये क्या करेगा, सीधा डायरेक्ट आपका यहां पर इसने ब्रेक किया, ये वाला फर्स्ट पेज है, ये वाला आपका फर्स्ट पेज है, उसके बाद में ये पूरा पेज हमारा ब्लैंक है, खाली है, और आप देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पर हमारा क्या है वो टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, मतलब उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मैं फिर से वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूं, अब यहां पर क्लिक करने के बाद मैं किसका यूज करता हूँ, ब्लैंक पेज का यूज करता हूँ। जैसे मैं ब्लैंक पेज करूंगा तो देखेंगे तो इसने भी यहां से टेक्स्ट ब्रेक तो किया, इधर देखेंगे तो ये पेज खाली भी है, लेकिन इसने क्या किया, एक पेज आपको बीच में ब्लैंक भी देगा, क्योंकि वहां पर आपने किस पर क्लिक किया है, ब्लैंक पेज पर, तो इसीलिए ये ब्लैंक पेज भी देगा और साथ ही साथ ब्रेक भी करेगा। तो आपको क्या लगता है कि आपको चाहते हो कि ये वाला टेक्स्ट आपको थर्ड पेज पे लेके जाना है, क्लियर, यहां से जो बचा हुआ टेक्स्ट था वो किस पे पेज पे लेके जाना, तीसरे नंबर के पेज पे लेके जाना है, और आपको एक ये वाला पेज आधा ब्लैंक चाहिए और एक बीच में ब्लैंक पेज और चाहिए, तो आप क्या करिए फिर ब्लैंक पेज का यूज कर लीजिए, और आपको डायरेक्ट ब्रेक करना है तो आप पेज ब्रेक का यूज कर सकते हो। तो इस टाइप से आप ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय श्री राम।